टोनी स्टार्क ने बाकी के एवेंजर्स के लिए सूट या आर्मर बिल्ड क्यों नहीं किया? फॉर एग्जांपल जैसे उसने स्पाइडरमैन के लिए एडवांस सूट क्रिएट किया, वैसे ही वो अपने बाकी के टीम मेंबर्स को भी सूट प्रोवाइड करवा सकता था। वेल फर्स्ट ऑफ ऑल एवेंजर्स की टीम के सारे 6 मेंबर्स अपनी स्पेसिफिक स्किल्स में एक्सपर्ट थे और स्पाइडरमैन के कंपैरिजन में उन सबको अपने ओरिजिनल आउटफिट्स में ही बैटल लड़ने का पूरा एक्सपीरियंस था। और अल्ट्रॉन के साथ जो हुआ उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी एवेंजर अपनी सेफ्टी के लिए स्टार्क टेक पर रिलाई करता। लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो वो टोनी था जो एवेंजर्स के कॉस्ट्यूम्स को डिजाइन करता था और उनके लिए पे भी करता था। आई थिंक टोनी ने एटलीस्ट फाल्कन का रेड विंग वाला कॉस्ट्यूम, नताशा का एज ऑफ अल्ट्रॉन वाला नियॉन लाइट सूट और हॉकाई के कुछ ट्रिक एरोस को तो डिजाइन किया ही है। वहीं कैप्टन अमेरिका अपने ट्रेडिशनल सूट को इस टेक सूट से कहीं ज्यादा सुपीरियर मानता था। और बात करें हल्क की तो आपको लगता है हल्क किसी आर्मर का यूज करता? वहीं थॉर भी अपना खुद का आर्मर बना सकता था एंड ऑनेस्टली उसे इसकी जरूरत भी नहीं थी। हाँ, यहाँ हॉकाई है जिसे डेफिनेटली इससे बेनिफिट मिलता, ये उसके डिफेंस में काफी काम आता, जबकि कैप्टन और नताशा एक्रोबैटिक फाइटर्स हैं। वहीं हल्क और थॉर को आर्मर की जरूरत है भी नहीं।